ठीक है, उनका अपना कहना अपना कहना, लेकिन डर तो है भाई। या 24 का मुख्यमंत्री होगा नहीं होगा, इसका तो निर्णय तो पार्टी ही ना लेती है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासत गर्म है और लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कह दिया है कि तेजस्वी यादव के मंत्रिमंडल विस्तार का फैसला लेंगे। वहीं कांग्रेस ने इस पर विरोध जताया है। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया है कि मंत्रिमंडल विस्तार का चर्चा जो है उस पर पार्टियाँ ही फैसला लें कि आखिर उनके दल से कौन मंत्री बनेगा। और इसको लेकर जो है वो चर्चाएं लगातार जारी है, यानी कि अब ये तय माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार तो होकर रहेगा। क्या कह रहे हैं तेजस्वी, पहले सुने। अभी काफ़ी बेहतर है और रिकवरी है वो काफ़ी अच्छे से हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी पोस्ट सर्जरी इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उसको देखते हुए जो है हम लोग जो है ख्याल उसी हिसाब से रखें, ताकि इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं, इन्फेक्शन का जो डर है उसे बचाया जा सके। अमित शाह ने कहा है कि 2024 में चीज को लेकर क्या कुछ बातें हुई, अरविंद केजरीवाल से भी आपकी मुलाकात हुई है, मुलाकात की है, विपक्षी एकता को क्या गए थे झारखंड गए थे तो हेमंत जी से मुलाकात हुई थी, दिल्ली गए तो अरविंद केजरीवाल जी से बात हुई थी, और उसमें तो वो लोग बैठते तो ऐसी बात तो होती है ना राजनीति की, देश में क्या चल रहा है क्या हो रहा है। अमित शाह ने कहा है कि तमाम जितने कमजोर दल हैं वो सभी साथ आ रहे हैं, लेकिन होना कुछ नहीं है, सबको परास्त ही होना है 24 में, सबको परास्त ही होना है। अमित शाह ने कहा लोकसभा चुनाव को लेकर, ठीक है उनका अपना कहना अपना कहना, लेकिन डर तो है भाई। या 24 का चलिए बॉर्डर है, नीतीश जी ने आप पर गेंद फेंक दी है कि आप कब फैसला लेंगे कैबिनेट विस्तार को लेकर, तेजस्वी यादव ही फैसला लेंगे कैबिनेट विस्तार में कौन कौन होंगे। जब गठबंधन होता है तो गठबंधन में अलायंस पार्टनर्स जो होते हैं अपने अपने कौन मंत्री होगा नहीं होगा इसका तो निर्णय तो पार्टी ही ना लेती है, चाहे कोई भी दल हो। या हम लोग 7 दल हैं तो 3 पार्टियां जो हैं वो सरकार में हैं, बाकी पार्टियां सरकार में नहीं हैं, 4 पार्टी सरकार में हैं, 3 पार्टी नहीं है, है कि नहीं। तो 3 जो दल हैं उनका निर्णय है ना कि वो सरकार में शामिल हो या ना हो। नीतीश जी ने आपका नाम लिया है कि आप फैसला लेंगे, साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने जो कहा है उनके बयान से साफ हो गया है कि मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो अब बिहार में होना तय है। वहीं 25 फरवरी को होने वाले इस महागठबंधन की महारैली में लालू प्रसाद यादव भी वर्चुअल रूप से शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उनके जो तबीयत है वो फिलहाल ठीक है, वो स्वस्थ हो रहे हैं, और उनके रैली में आने की भी संभावनाएं थी लेकिन अभी वो आएंगे नहीं, लेकिन वर्चुअल माध्यम से जरूर जुड़ेंगे ये तय माना जा रहा है। सहयोगी अमित के साथ विशाल भारद्वाज, SG न्यूज़ पटना। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम, हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज, पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।